में बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे, और कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है एज वेल एज आरबीआई पॉलिसी है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी को कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं जहां से मैक्सिमम प्रॉफिट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहां पे आप देख सकते हैं, जैसा कि कल की वीडियो में क्लियर कट मैंने बताया था कि 44,880 के नीचे यहाँ पे बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एक नीचे की साइड में डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है। क्लियर कट मैंने कल की वीडियो में बताया था, जबकि बाइंग साइड में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि पैटर्न यहाँ पे क्लियर कट नीचे का बना हुआ था। पर ये जरूर है फ्रेंड, यहाँ पे 880 के लेवल को ब्रेक करने के बाद लोएस्ट इसने यहाँ पे 44,533 को टच किया, पर इतनी जबरदस्त जो रिकवरी करी है ये एक्सपेक्टेड नहीं थी यहाँ पे कि ये फिर से रिकवर करके उसी पॉइंट पे आके क्लोज हो जाएगा जो कि जहां से बैंक निफ्टी ने वीक होना स्टार्ट हुआ था, दैट इज 44,880। क्लियर कट मैंने बताया था, चाहिए तो आप जाके वीडियो भी आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो अभी भी फ्रेंड्स कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं क्लियर कट बता दूं, आरबीआई पॉलिसी में पहले तो वेट कर लीजिए, पॉलिसी का आने दीजिए, उसके बाद ही मार्केट को सेटल होने दीजिए, और फिर अपने हम ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी भी अगर 44,880 के नीचे ये कंटिन्यूअसली ट्रेड करते रहता है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी वीक ही रहने वाला है। 44,880 आप मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कंटिन्यूअस इसके नीचे ट्रेड करता रहता है तो बाइंग साइड में ही पोजीशन बनाने में यहाँ पे फायदा रहेगा। 880 के नीचे कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कंटिन्यूअसली ट्रेड करता है तो ये अपने लो को यहाँ पे दोबारा से टेस्ट करने के लिए जा सकता है, दैट इज 44,533। एंड इफ इट ब्रेक्स 44,533 तो 280 के लेवल तक यहाँ पे नीचे डाउनफॉल इसमें देखने को मिल सकती है। तो ये पोजिशनली की मैंने बात करी है, यहाँ पे जो टारगेट एक आध दिन में देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम इसमें पर्टिकुलरली कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बात करें तो एक बार 1 आवर के चार्ट पे हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हुई 533 टच करने के बाद, अगेन क्लोजिंग इज एट 44,880, दैट इज इस रेंज में वापस आके बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो अभी भी यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 880 के नीचे सेल साइड में रहेंगे एंड अबाउ यहाँ पे बाइंग साइड में रहने के लिए 55 का लेवल आप नोट कर लीजिए। 45-55 के ऊपर अगर कंटिन्यूअसली होल्ड करता है तो फिर बाइंग साइड में यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। इसमें एक बार हम इसे 15 मिनट के चार्ट पे और देख लेते हैं और वहां पे फिर पर्टिकुलरली कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट चार्ट मैंने लगा लिया है, तो यहाँ पे 45-50 के ऊपर बाइंग इसमें कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हमें मिल सकता है ये वाला लेवल, दैट इज 45,160 का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। सेकंड टारगेट यहाँ पे फिर ये मोमेंट हमें लेके जा सकती है 251 तक, 45,251। एंड फाइनल टारगेट हमें यहाँ पे 350 के लेवल का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, उसके लिए यहाँ पे 45 के आसपास यहाँ पे आधा पौना घंटा अगर ट्रेड कर लेता है तभी तभी हम बाइंग साइड में यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। और सपोज करिए ये इस वाले हाई को ब्रेक ही नहीं करता, दैट इज 921, और इस वाले लेवल के यहाँ पे 800 के इसी रेंज में ओपन होके यहीं पे होल्ड करता है तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि ये फिर डाउनफॉल की यहाँ पे तैयारी कर रहा है। तो अगर यहाँ पे 930 से लेके 800 के बीच में ओपनिंग होती है और यहीं पे होल्ड करता है एंड देन अगेन इट ब्रेक्स 800 लेवल, तो यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन हम बना सकते हैं। और बाई साइड की मैंने बता दिया, इट हैज टू कंसोलिडेट एट 45,000 लेवल के आसपास, अगर कंसोलिडेट करता है तभी हम बाइंग साइड में इसमें पोजीशन बनाएंगे। सपोज करिए गैप अप ओपनिंग इसमें हो जाती है
गैप अप ओपनिंग यहाँ पे 45,000 के आसपास हो जाती है, तो इमीडिएटली बाइंग हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये एट प्रेजेंट इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो हो सकता है यहाँ पे फिर से सेलिंग प्रेशर जनरेट हो जाए और वापस यहाँ पे ये 44,880 तक डाउनफॉल यहाँ पे कर सकता है। तो गैप अप के केस में इमीडिएटली यहाँ पे बाइंग में मत ट्रैप हुईगा यहाँ पे, जब तक ये कंसोलिडेट करके 45,50 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक बाइंग साइड में पोजीशन बनाना यहाँ पे रिस्की हो सकता है। और यहाँ पे अगर डाउन साइड की बात करें तो इस ट्रेंड लाइन को आप वॉच कर सकते हैं, ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी हुई है, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर यहाँ पे जो कि है 670-650 के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो इस सपोर्ट के आसपास अगर कोई भी यहाँ पे बुलिश कैंडल जैसे हैमर कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्मेशन दिखती है या फिर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन या इस तरीके की कोई भी बुलिश कैंडल या पैटर्न फॉर्मेशन है तो यहाँ पे बाइंग हम कर सकते हैं। देन स्लो एंड स्टडी फिर से ये मूवमेंट इसे 880 के लेवल तक यहाँ पे लेके आ सकती है। तो इस वाली ट्रेंड लाइन को थोड़ा यहाँ पे लाइट हम कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो अपर स्ट्रक्चर है, ये वाला एज वेल एज दिस लोअर ट्रेंड लाइन, ये एक परफेक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे एट प्रेजेंट बने हुए हैं। तो अब इसके कंपोनेंट्स पे भी एक नजर हम मार लेते हैं, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में कि कौन सा कंपोनेंट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो पहला कंपोनेंट यहाँ पे है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक सेम यहाँ पे इट इज ट्रेडिंग इन दिस रेंज, यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, तो इसमें न्यूट्रल है एट प्रेजेंट, कोई व्यू नहीं है इसमें। आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट, यहाँ पे अगेन कंसोलिडेशन देन डाउनफॉल। अब जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता 1006 के लेवल को, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि ये इसी जोन में यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे सकता है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे देख लेते हैं हम, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे नेगेटिव है, मैंने बता दिया है नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रेस्पेक्ट करना चाहिए था, बिना रेस्पेक्ट किए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये और कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में SBI बैंक यहाँ पे आ चुका है। तो अब अगर ये इस वाले 566 के लेवल को ब्रेक करता है तो देन इट कैन मूव अप टू दिस लेवल दैट इज 555 के लेवल तक यहाँ पे डाउनफॉल दिखा सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है, एक्सिस बैंक अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, तो जब तक इस वाले लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं करता तो हम इसे डाउनफॉल में नहीं बोल सकते, इट इज इन कंसोलिडेशन जोन ही हम बोलेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक, तो कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे अभी भी जो ये सपोर्ट जोन है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है ये भी कंसोलिडेशन जोन में है, तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है स्लो एंड स्टडी फिर ये हायर लेवल यहाँ पे 1980 के लेवल तक जा सकता है, जहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है ब्रेकआउट की। अदरवाइज डाउन यहाँ पे अगर इस वाले 1833 के लेवल को ब्रेक करता है तो देन इट कैन मूव अप टू 1767 के लेवल तक यहाँ पे डाउनफॉल ये दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।